हे गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मेरा नाम गोविंद भाटी है और आज मैं बात करूँगा मेल को लेकर, जो आफ्टर जॉइनिंग प्रोसेस आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा IBPS PO में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट किया गया है, और PO 10 में तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट किया गया, और एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, और साथ ही साथ मेरा IBPS क्लर्क का भी हुआ है। लेकिन मैंने IBPS PO जाना सिलेक्ट किया कि क्लर्क से ज़्यादा बेटर है कि सुपीरियर पोस्ट पर जाऊँ मैं PO के लिए, बिकॉज ऑफ अगर मैं क्लर्क के थ्रू जाऊँगा, भले उसमें ट्रांसफ़र नहीं है और PO में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन क्लर्क में क्या ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन वहाँ पर सैलरी भी कम है, और दूसरी चीज़ के वहाँ पे सुपीरियर पोस्ट नहीं मिलती, एंड थर्ड चीज़ ये कि क्लर्क के बाद PO बनने के लिए हमको नई नई करके, अगर हम विदाउट एग्ज़ाम जाए तो भी हमको नई नई करके 5 साल लग जाते कोई भी एक बैंकिंग लाइन में आपको क्लर्क से PO बनने के लिए। और यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट PO मिल रहा है तो उस वजह से हम देखने जाए तो मेरे 4 to 5 ईयर्स बच रहे और मुझे डायरेक्ट सुपीरियर पोस्ट मिल रही है। सो इस वजह से मैं क्लर्क नहीं, मैं PO के पोस्ट के लिए गया हूँ, और अभी मैं आपको इधर पूरा डिटेल में बताऊँगा। और मुझे मेल आया था बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू और उसमें मुझे एबियंस लिस्ट में रखा गया, और ये बिकॉज ऑफ एबियंस लिस्ट मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो गया था कि एबियंस लिस्ट क्या है कैसे, और अभी भी मैं एबियंस लिस्ट में ही हूँ, अभी तक मैं वहाँ से निकला नहीं हूँ एबियंस लिस्ट में से। और मुझे अदर स्टूडेंट्स, अदर कैंडिडेट जो भी है जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उसमें मेरे को रखा नहीं है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि एबियंस लिस्ट किसके ऊपर है, जहाँ पे भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होता है उसके रिगार्डिंग उसको नाम दिया गया एबियंस लिस्ट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने। ओके, और ऑलमोस्ट एवरी जोन को जोन अलॉट हो चुका है मेडिकल और DV के लिए, और मेडिकल और DV के लिए तो जोन अलॉट ऑलरेडी अलॉट हो चुका था, लेकिन अभी मेल अभी आ चुका है उनको कौन से डेट पर कहाँ एड्रेस है, कहाँ वेन्यू है और कब जाना है उनको DV और मेडिकल के लिए। तो उस वजह से मैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्केयर हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी लोगों को मेल आ चुका है सब जोन में ऑलमोस्ट, और जो अभी एबियंस लिस्ट में है जैसे मेरी तरह जो भी कैंडिडेट्स है जो एबियंस लिस्ट में है अभी, उन सबको बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा आगे जाके, बिकॉज मैं आगे जाके आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको भी पता होना चाहिए कि जॉइनिंग प्रोसेस में क्या क्या इशू हो जाते हैं, और आप उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरा जो मेल आया है मुझे, और मेल में मुझे ये बताया गया है कि मुझे एबियंस लिस्ट में रखा गया है और उस वजह से मुझे जोन अलॉट नहीं किया गया है, और बाकी जो भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट और जो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मतलब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जिनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे कम्प्लीट थे तो उनको जोन अलॉट कर दिया गया है, और जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे उनको जोनल अलॉट नहीं किया है कि आपको जोन ये अलॉट किया गया, तो मुझे जोन अलॉट नहीं किया गया और मुझे एबियंस लिस्ट में रखा गया है बिकॉज ऑफ मेरा एक डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट की वजह से मुझे जोन अलॉट नहीं किया गया, और जिनका जोन कम्प्लीट है उनको, जिनका डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है उनको जोन अलॉट कर दिया गया। और लास्ट 2 to 3 डेज़ में ऑलमोस्ट एवरी जोन में सबका जिनका डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है सबको DV के लिए और मेडिकल के लिए मेल आ चुका है, और 16 तारीख से यानी कि कल से 16 जुलाई से मेडिकल और DV के लिए उनका प्रोसेस चालू होगा पूरा। और हम लोग अभी तक अटके हुए जितने भी हम लोग टोटल 148 कैंडिडेट्स है जिनका है ना अभी तक अटका हुआ है एबियंस लिस्ट में, आउट ऑफ टोटल 148 है जो एबियंस लिस्ट में है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट में, आउट ऑफ 1435 टोटल 1435 PO सिलेक्ट किए बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसमें से 148 एबियंस लिस्ट में गए, और उसके वजह से हम लोग को बहुत डर लग रहा है। तो मैं आपको मेरा पूरा मेल के रिगार्डिंग बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे PO का मेल आया था, और वो भी 5 जुलाई को मुझे मेल आया था, और ये मेरा नाम है बिकॉज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि ये मेरा ही सिलेक्शन हुआ था, नहीं तो आप समझो कि मैं किसी और का दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा ही नाम है गोविंद नाथराम भाटी, और यहाँ पे मेरा 5 जुलाई को एबियंस लिस्ट में मेरा नाम आया था आप देख सकते हैं, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेरा एड्रेस थोड़ा ब्लर कर दिया और रोल नंबर मैंने ब्लर करके रखा है। ओके, तो ये मेरा आया था, और उसमें मुझे क्या दिखाया था, मुझे यहाँ पर बोला गया था कि आपका इस ये डॉक्यूमेंट में इशू है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट में इशू था बिकॉज मेरा OBC सर्टिफिकेट में मैंने आउटडेटेड OBC सर्टिफिकेट दिया था, और उसके से मुझे अभी लेटेस्ट वाला उनको देने का है, तो इसके से मुझे ये देना था, और उन्होंने बोला था कि ऑन और आफ्टर 19th of July आपको अपडेट दिया जाएगा, लेकिन स्टिल आज अभी तक अपडेट दिया नहीं, और आज 16 हो गया और अभी तक कोई अपडेट दिया नहीं है इन्होंने कि आपका जो भी आपने सबमिट किया वो वैलिड है कि नहीं। देन इसके बाद हमको मेल मिलेगा टिल 19th of July हमको मेल मिलेगा, और मेल के ज़रिए हमको बताया जाएगा कि आपके जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो परफेक्ट है कि नहीं, अगर परफेक्ट है तो हमको जोन अलॉट होगा, जोन अलॉट होने के बाद और हमको 10-15 दिन लगेंगे ताकि हम लोग का DV और मेडिकल के लिए डेट हमको अगेन एक और मेल रिसीव होगा।
जो इसके वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और फिर मैंने एचआर डिपार्टमेंट में भी बात की, फिर मैंने ये मेरा जो जो नोट भेजना था मुझे, तो वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख कर मैंने भेज दिया था यहाँ पे कि रिस्पेक्टेड सर, आई हैव रिसीव एन एम्बियंस मेल और मुझे पीओ में बैंक ऑफ इंडिया मिला है, मेरा नाम और रोल नंबर, और मैंने नीचे बिलो में डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, तो ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे। देन उनके बाद उनका मैसेज आया था ये कि हम लोग ने आपका एक्नॉलेज कर लिया है और आपको 19 जुलाई तक आपको कंफर्म कर देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है कि नहीं। तो इस हिसाब से मैंने पूरा आपको बता दिया एबियंस लिस्ट के ऊपर। अब मैं बात करूँगा इसके बाद क्या, अभी 19 जुलाई के बाद मुझे एबियंस लिस्ट में मुझे मेल आएगा अपडेट, और अगर मेरा डॉक्यूमेंट परफेक्ट रहेगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, और जैसे ही परफेक्ट होगा तो मुझे जोन अलर्ट होगा। जोन अलर्ट होने के बाद मुझे 10-15 दिन के बाद फिर मेडिकल और डीवी के लिए डेट आएगा। तो एबियंस लिस्ट होने की वजह से मुझे एक इशू, सबसे ज़्यादा कंसर्न मुझे ये लग रहा है कि एबियंस लिस्ट में होने की वजह से जिनका डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है उनका ऑलरेडी डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो चुका है और उनको जोन अलर्ट हो चुका है। तो एबियंस लिस्ट में होने की वजह से शायद मुझे मेरा जोन ना मिले और वो जोन फुल हो जाए और मुझे कहीं दूर दराज का जोन मिल जाए, थोड़ा लंबा फायर डिस्टेंस पे जोन मिल जाए, मुझे होम्स टाउन के इधर ना मिले। तो ये सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और जैसे ही मुझे मेल के रिगार्डिंग डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग मुझे मेल मिल जाएगा, तो आपको मैं उसके ऊपर रिगार्डिंग ज़रूर बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।